साथ तनीषा भारद्वाज। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज सिरसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर, डीसी आर के सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर रोहतक से मुख्यमंत्री का लाइव कार्यक्रम भी उपस्थित जनों को दिखाया गया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार जन जन के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आई है, जिनमें से एक योजना ये भी है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण आवास योजना भी, अब शहरी आवास योजना भी पात्र परिवारों के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,20,000 से कम है, उन पात्र परिवारों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से लेकर अब तक सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से सभी को इसका भरपूर लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आगे भी नित ऐसी योजनाएं गरीब पात्र परिवारों के लिए लेकर आएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, यह आवास योजना ग्रामीण के लिए भी है, लेकिन आज का कार्यक्रम जो शहर में, जो परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,20,000 से कम है, उन लोगों को देने की योजना, इस योजना को बनाने में काफी समय से हम लगे हुए थे और हमने इसमें बहुत मेहनत की है। ऐसे 14 शहरों में तो हम प्लाट दे रहे हैं, लेकिन 4 शहरों में, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, सोनीपत, ऐसे शहरों में हम फ्लैट्स भी दे रहे हैं शहरी योजना के तहत। तो आज ये प्लाट्स बांटे जाएंगे और ऐसे ही ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों तक हर सुविधा कैसे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज।